नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पके हुए पपीते की सब्जी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसे बनाने के लिए हम पके हुए पपीते को अच्छे से छील के धो के कट कर लिए हैं। दो मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा सा पंचफोरन ले लिए हैं और थोड़ा सा गुड़ ले लिए हैं। तो अब एक पैन हम गैस पे चढ़ा दिए, इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। जब सरसों तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें पंचफोरन डालेंगे। इस सब्जी में पंचफोरन का ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप सिर्फ जीरा या मेथी ना डालें, जब भी बनाएं तो पंचफोरन डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पंचफोरन हमारा जल चुका है, तो अब हम इसमें दो लाल मिर्च तोड़ के डाले हैं। आपको जैसा तीखा पसंद है उस हिसाब से अभी ही मिर्च डाल लीजिए, क्योंकि इसमें हम कोई भी मसाला का यूज नहीं करने वाले हैं। तो अब हम फ़ौरन हमारा अच्छे से जल चुका है तो पपीता डाल दिए और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से चला करके हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो छोटी आधा चम्मच डाले हैं, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि सब्जी का कलर जो है हमें लाइट चाहिए। ज़्यादा हल्दी पाउडर डालने से सब्जी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढक करके 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो ये 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे फिर से चला लेंगे। अभी ये नहीं पका है, अभी हमें इसे और 5-10 मिनट पकाना है, तो इसलिए हम फिर इसमें दोबारा चला करके ढक देंगे और इसे अभी मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। तेज करिएगा तो हमारा पपीता जल जाएगा। तो फिर से हम चला लेते हैं, अभी भी ये नहीं पका है, क्योंकि देखने से भी साफ साफ पता चल रहा है अभी कच्चा ही है। तो फिर से ढक देंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट के लिए ढक दिए थे, तो अब ये हमारा पक चुका है। क्योंकि तोड़ रहे हैं तो अच्छे से टूट रहा है, तो अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। कच्चा में गुड़ इसलिए नहीं डालना चाहिए, अगर डाल दीजिएगा तो फिर अच्छे से पकता नहीं है। तो पक चुका है इसलिए हम इसमें गुड़ डाल दिए। आपको जैसा मीठा पसंद है उस हिसाब से आप गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो गुड़ का इस्तेमाल ही ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो 5 से 7 मिनट के लिए फिर ढक दिए थे और फ्लेम अभी भी लो ही रखना है। तो ये फिर से हम ढक देंगे, ये नहीं अभी टूटा है, इसे गुड़ को तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। टूट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ढक दीजिए आराम से। देखिए ये फिर से 5 मिनट बाद अच्छे से हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे तोड़ लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता रहा तो बहुत जल्द ये सब्जी बन जाता है, पर ये हमारा आधा कच्चा आधा पका हुआ था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो इस तरह से देखिए अब हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। ये सब्जी बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है, क्योंकि इसमें किसी भी मसाला का हम यूज नहीं किए हैं। तो ये देखिए हमारा सब्जी रेडी है। ये सब्जी पपीता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे घर में पपीता मीठा हुआ नहीं आता है तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, तो उस पपीते को हम वेस्ट कर देते हैं। तो आप इस पपीते को इस तरह से अगर घर में बनाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए।